हेलो फ्रेंड्स सच श्रीकाल अदाब नमस्ते वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन आज हम अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं साइंस ऑफ कयामत प्रॉफिट मोहम्मद मेंशन 1400 इयर्स अगो तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि साइंस ऑफ कयामत के जो बयान है जो वीडियोस है हम लोग बहुत सारी देखी हैं जब कयामत आएगी क्या क्या हो सकता है क्या क्या होगा ये सब हमने देख लिया पर प्रॉफिट मोहम्मद ने 1400 साल पहले ये बातें बता दी थी तो ये सब जान के तो आज बहुत मजा आने वाला है तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे प्रॉफिट मोहम्मद जी के बारे में भी हमने एक दो वीडियोज देखी है लास्ट कुछ दिनों के अंदर तो वो हमें वीडियो बहुत पसंद आई है क्योंकि जब हमने उनकी हिस्ट्री सुनी की वो

क्यामत पर हमारा ईमान है कि जिस दिन हर जिंदा चीज़ को फनाव जाना है और अल्लाह तिवा कोई भी ज़ात बाकी नहीं रहेगी इस रोज़ मुर्दों को क़बरों से निकाल कर अल्लाह के हजूर पेश किया जाएगा और हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक जजा और सजा का फैसला पाएगा क्यामत के मतलब तमाम अम्बिया कराम ने अपनी अपनी उम्म के लोगों को डराया लेकिन हजूर नबी करीम सल वसलम चौका आखिरी नबी है और आपके बाद कोई नबी नहीं आना था लिहाजा आपने क्यामत की तमाम निशानियों को खोल खोल कर उम्मत को बयान फरमा दिया और इन्हें वाज तौर पर उम्मत के सामने इस तरह से बयान कर दिया कि लोग जब भी इन्हें अपने सामने होता देखें तो समझ जाए कि यह क्यामत की निशानी है और आज की इस वीडियो के अंदर हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम की बयान करदा क्यामत से मतलब छोटी छोटी निशानियों के बारे में जानेंगे और ये भी कि आज के दौर के अंदर वो किस हद तक पूरी हो चुकी हैं हज़रतबन मसूद रजीला तारण से रिवायत है कि मैंने हजूर पाक सल्हलम से क्यामत से मुतलिक सवाल किया कि अः अल्लाह के रसूल क्या आपको इस दिन के मुक़्छ है यानी कि आपको क्यामत के आने के बारे में कुछ है आप सल्ह वसलम ने फरमाया कि हाँ और क्यामत के बारे में बहुत सारी निशानियों को बयान फरमा दिया जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना इंतहा ज़रूरी है ताकि वह इन निशानियों को अपने सामने होता देखें तो फ़ौर से पहचान लें वैसे तो इन निशानियों की फहरिस्त बहुत लम्बी है लेकिन इनमें से जो अहम तरीन है उनको आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अल्लाह के रसूल सलम ने जो पहली निशानी क़यामत के मुतालिक बयान फरमाई ये थी कि आखिरी वक्तों के अंदर बच्चे गुस्से से भरे होंगे यानी कि गुस्से के अंदर वो माँ बाप और बड़ों का अदब एहतराम भूल जाएंगे फिर फरमाया कि तजाबियत से भरी जलाने वाली बारिशें होंगी बुरे लोगों की कसरत होगी लोग बेईमान और नाकबल अतमाद लोगों पर भरोसा करेंगे यानि किबल ए को झूठा समझेंगे जिसका अंदाज़ा हम दुनिया भर के लीडर्स की तवील फहरिस को देख कर आसानी से लगा सकते हैं कि सच्चे लोगों को झूठा और झूठे लोगों को सच्चा बनाकर आज हमारा मीडिया किस तरह से अवाम को बेवकूफ़ बनाता है इन्हें हकैक से दूर करके और गुमराह करके ऐसा लगा इसके बाद आपने चली फरमाया कि लोगों के दरमियान मवालात मुसलसल बढ़ जाएगी इसके लिए आपने लफ्त मवा का इस्तेमाल किया आपने फरमाया कि लोग दुनिया का हाल घरों में रहकर जानेंगे लेकिन इन्हें अपने पास रहने वाले हमसाय की खबर नहीं होगी जिसका हम तौर पर अपनी रोजमर्रा ज़िंदगी के अंदर शहरी ज़िंदगी खसूस अपर क्लास के अंदर इसका मुशाह करते हैं लेकिन देहाती एरियाज के अंदर अभी भी ये बहुत कम है इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम देखोगे कि दुनिया पर मुनाफिक लोग हकूत करेंगे दुनिया के बदतरीन लोग मार्केट पर काबिज हो जाएंगे और आज हम सभी लोग जानते हैं कि तमाम बैंकिंग सिस्टम ना सिर्फ यहूदियों का ईजाद करता है बल्कि उन्हीं के कंट्रोल में है इसके अलावा बड़े बड़े मालियाती इदारे जैसे कि वर्ल्ड बैंक और आई एम एफ वगैरह भी इन्हीं के कंट्रोल में हैं जिनकी बदौलत ये पूरी दुनिया के मुशी निज़ाम के अंदर अपनी जड़ों को फैलाए रखते हैं और किसी भी वक्त इन्हें तौर पर तबाह कर सकते हैं इसके बाद आपने फरमाया कि तुम देखोगे कि मस्जिदें इनतहाई खूबसूरत होंगी इन्हें खूबसूरत पत्थरों कारपेट मेहराब और दुनिया भर की खूबसूरती से ऐसे सजाया जाएगा कि लोग देखते ही रह जाएं। लेकिन लोगों के दिल इबारत से खाली होंगे वो बग़ैर खुशी और ख़जू के नमाज पढ़ेंगे क्योंकि इनके दिल मस्जिदों की रईशों को देख कर इन्हीं पर ठहर जाएंगे अब आप मुझे बताएं कि क्या दुनिया भर के अंदर ऐसा नहीं हो रहा क्या दुनिया भर के अंदर मस्जिदें इबारत के बजाय खूबसूरती के म्यार पर नहीं बनाई जा रही खासतौर पर अरब मुमालिक के अंदर हमें यह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है बात तो सही है आपने फरमाया कि आखिरी वक्तों के अंदर मोमिन एक बदसूरत बकरी से भी ज़्यादा जलील किए जाएंगे जैसे इनकी कोई औकात ही नहीं है और आज जरा अरब की हालत पर नज़र डालें रोहिंग्या शाम और फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म करके क्या इन्हें जलील नहीं किया जा रहा इसके बाद आपली वसम ने फ़रमाया कि तुम बड़े पैमाने पर हम जिन्स परस्ती देखोगे जी हाँ वही हम जिन्स परस्ती जिसको मुमालिक के अंदर बाकायदा कानूनी हैसियत दे दी गई है और मुस्लिम ममालिक को भी इन्हें अपनाने पर मजबूर किया जा रहा है इसके बाद अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया कि तुम देखोगे कि जवान लोगों के पास बेताशा दौलत होगी तुम ऐसे तरीक़े देखोगे जो लोगों को बेहया और बद तहजीब बना देंगी यानी इन्हें इस्लाम से दूर करके गुमराह कर देंगी आपने फरमाया कि तुम दुनिया की तहजीब को तबाह होते देखोगे यानी कि कतलों गारत और तबाही दुनिया की तहजीब का हिस्सा बन जाएगी और दे हर जगह जंगे होंगी और, और आप वसल्लम ने फरमाया कि मौसीकी के आलात इनके सरों पर होंगे अंदाजा लगाए कि इनके सरों पर यह बात आपने आज से चौदाह सौ साल पहले बयान फरमाई जब ऐसी किसी चीज का नामो निशान मौजूद नहीं था और आज के दौर के अंदर ये हमारे सरों पर हेडफोन्स की सूरत में मौजूद हैं और हमें ऐसे लोग आज हर जगह देखने को मिलते हैं इसके बाद फरमाया कि तुम लोगों को एक दूसरे की नकलें उतारना और एक दूसरे का मजाक उड़ाते देखोगे आज हमारे सामने टी वी शोज़ पर इसे आर्ट की शक्ल देकर ना सिर्फ इसे प्रमोट किया जा रहा है बल्कि इस पर बाकायदा प्रोग्राम्स मौजूद हैं हाँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि अबिन मसूद तुम बगैर निकाह के औलादें होते देखोगे इसके बाद फरमाया कि एक मैट तो की तरह लोगों को दिखाया जाएगा इसके दो साइड होंगी एक और दूसरी वर्टिकल जो कि आज का हमारा टी वी सेट है और शैतान इसी के जरिए इंसानियत को तशद दिखा दिखाकर इसे जराइम का आदि बना रहा है और आखिरी वक्तों के अंदर दजाल इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा आप वसल्लम ने मजीद फरमाया कि औरतें कपड़े पहन कर भी बरना होंगी वो अपनी चाल में झूमती होंगी और इसी की वजह से लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगी आज इस निशानी को हम फैशन डिज़ाइनिंग की मदद से तैयार होने वाले बेहयाई के लिबासों की सूरत में पूरा होते हुए देख रहे हैं जिन्हें पहनकर औरतों के खदो खाल न सिर्फ वाजे होते हैं बल्कि मर्द इनकी तरफ़ मायल होते हैं अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगी इसके बाद मज़ीद ने फ़रमाया कि लोगों के बाल बैक्टेरन ऊँट की माने देंगे दोस्तों ये बैक्टेरियन ऊँट हैरान में हुआ करते थे ये अरब में मौजूद ही नहीं थे पहली बार ईरान से जब ये अरब में आए तो अरब के लोगों ने इन्हें पहली बार देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे ने फरमाया आप कि मेरी उम्मत के लोग नशा आवर चीजें ना सिर्फ इस्तेमाल करेंगे बल्कि इसे दूसरे नामों से पुकारेंगे आज अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो क्या मशरूबात और दूसरी नशा आवर चीज़ों के अंदर शराब का इस्तेमाल मामूल नहीं बन गया और इसे लोग आज फैशन के तौर पर ना सिर्फ बिला जिजा के इस्तेमाल करते हैं खासतौर पर शादियों पर बल्कि इसे गुनाह समझने के बजाय बकायदा इस पर फख्र महसूस करते हैं याद रहे कि ये बातें आज से 1400 साल पहले अल्लाह के, के रसूल ने उम्मत को बयान बंदी जब इन निशानियों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था आपने मजीद फरमाया कि अरब के वो लोग जिनके पास अपना जिसम ट के लिए कपड़े और इनके पाओं में जूते नहीं होंगे वो क़ुरबे की आमद से पहले एक दूसरे के मुकाबले के अंदर ना सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे, बल्कि बाकायदा इस पर एक दूसरे से मुकाबले करेंगे इसके बाद आप वसल्लम ने मजीद फरमाया कि दौलत की कसरत होगी जिसका अमली मुजाहरा आज हम अरब के अंदर अबू धाबी दुबई यू कतर और बहरीन जैसे ममालिक को देख लगा सकते हैं क्योंकि अरब के वो लोग जो आज से साठ साल पहले तक दुनिया के गरीब तरीन लोग थे इनके पास अपना बदन ढापने के लिए कपड़े भी नहीं थे आज एक दूसरे के मुकाबले के अंदर दुनिया की ऊंची तरीन इमारतें बना रहे हैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जो कि आठ मीटर ऊंची है दुबई में मौजूद है जबकि इससे भी ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इस वक्त सऊदी अरब के शहर जद्दा के अंदर जेर तमीर है जिसका नाम है जद्दा टावर और ये पूरे एक किलोमीटर ऊंची होगी दोस्तों जरा गौर करें कि क्या यूरोप के पास क्या इन इमारतों को बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है ना सिर्फ मौजूद है बल्कि दरअसल इन इमारतों को बनाने वाली तमाम कंपनियां यूरोप की ही हैं मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक कॉल को सच साबित होना है इसलिए ये इमारतें सिर्फ अरब के लोग ही बनाएंगे इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि सूद के अंदर इजाफा होगा और हर एक शख्स सूद से मुतासर होगा आज दोस्तों क्रेडिट कार्ड मॉर्गेज और हम सूदी कारोबार से हर जगह से गिरे हुए हैं जिसका सिर्फ एक सबसे बड़ा सबूत है बैंकिंग सिस्टम और यह सूद का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया की इकानी को कंट्रोल करता है इसीलिए अल्लाह के रसूल सल अल वसल्लम ने सूद से मना फ़रमाया लेकिन यह भी बता दिया कि लोग आखिरी वक्तों के अंदर इससे गिरे होंगे और बहुत कम लोग इससे बचने की कोशिश करेंगे हुँ। इसके बाद मज़ीद आप सल अला वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी वक्तों के अंदर लोग पढ़े लिखे होंगे मगर फिर भी जाहिल होंगे ऐसा नहीं है कि इनके पास पढ़ने के लिए इल्म नहीं होगा या फिर किताबें नहीं होंगी बल्कि इसका मतलब यह है कि किम जाहिल हो जाएंगे वो दीन को ऐसे समझेंगे और लोगों को समझाएंगे कि जिसकी वजह से मज़ीद फितने जन्म लेंगे और यकीन आज जिन फितरों से हर शख्स वाकिफ़ है क्योंकि हर एक मकतबा फ़िक्र को मानने वाला दूसरे को काफिर कह रहा है इसके बाद आप सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने मजीद फ़रमाया कि मर्द अपनी बीवी के तात करेगा मगर माँ की नहीं वो दोस्तों की बात सुनेगा मगर बाप को दुदकारीगा अच्छा। क्या आज हमारी नौजवान नस्ल ऐसा नहीं कर रही दोस्तों इन तमाम निशानियों की फहरिस्त वैसे तो बहुत तवील है लेकिन बयान करदा निशानियों को सुनने के बाद यकीन आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि क्यामत आने के अंदर कितना वक्त बाकी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल वसल्लम ने क्यामत से मुतलिक जो तमाम निशानियां बयान फरमाई वो ना सिर्फ लफ्ज बलफ़ पूरी हो रही हैं बल्कि आज हम किस कदर इनका शिकार हैं इसका एहत हम खुद कर सकते हैं दोस्तों अब भी वक्त है कि हम तोबा कर लें इससे पहले कि हम पर तोबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद, बंद हो जाए अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए आमीन आज की वीडियो तो बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी क्योंकि जो जो मतलब साइंस प्रॉफिट मोहम्मद जी ने बताए हैं 1400 साल पहले सारे साइंस बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि वो आज का ही टाइम गुजर रहा है तो उसका ये मतलब है कि क्यामत बहुत जल्द सामने आने वाली है क्योंकि मतलब जो चल रहा है बच्चे जो है बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे तो आजकल की जनरेशन ऐसी ही है जो आजकल के हमारे बच्चे हैं हमें उनसे डर कर रहना पड़ता है मतलब हमें वो हमें कंट्रोल करके रखते हैं और जितने भी इसके अंदर साइंस वो बता रहे थे मुझे लग रहा था ये टाइम यही चल रहा है तो सच में आज की वीडियो तो बहुत खौफनाक थी वाकई में आज की वीडियो ने तो बिल्कुल आंखें खोल दी हमें मालूम था कि कयामत आने वाली है क्योंकि ऐसे टाइम से हम गुजर रहे हैं लेकिन जो जो निशानियां उस टाइम पर प्रॉफिट मोहम्मद जी ने बताई वो सुनकर इतनी ज्यादा हैरानी हुई कि जो जो चीजें उन्होंने आज से चौदह साल पहले बोली थी वो सब कुछ आजकल हो रहा है बच्चे जो है वो माँ बाप के अंडर नहीं है और जो बच्चे है वो पूरी तरीके से चाहते हैं कि माँ बाप से उनका लिंक ना रहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा खुश रहते हैं और कहीं ना कहीं जो आने वाली पीढ़ी है वो पूरी तरीके से इबादत से दूर होती जा रही है उन्हें खुदा का नाम लेने में या फिर अपने आप को धार्मिक बोलने में जो है बड़ी दिक्कत सी होती है उन्हें लगता है कि हम बहुत ज्यादा ना पढ़ लिख कर मॉडर्न बनना चाहते हैं वो किसी तरीके से भी इबादत के साथ नहीं जुड़ना चाहते तो ये सब बातें प्रोफेट मोहम्मद जी ने आज से चौदह साल पहले ही बोल दी थी जो सब कुछ हो रहा है तो वाकई में जितना जल्दी हो सके हम सबको तोबा कर लेनी चाहिए और जितना हो सके हमें खुदा की इबादत के साथ जुड़ना चाहिए तो आज की वीडियो ने तो हम सबकी आंखें खोल दी तो ठीक गाइज इसके साथ इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं होप करते हैं आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए ओके बाय